दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय समिति क्लास नाइन्थ का जो एडमिशन फॉर्मेट है वो किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले ये ऊपर नोटिस पढ़ लीजिएगा, इसमें देखो लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति सेलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन टू क्लास नाइन्थ फॉर सेशन 2023-24 थ्रू लेटरल एंट्री टेस्ट हैज़ बीन रिलीज्ड। द पेरेंट्स और गार्जियंस और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द एडमिशंस टू जवाहर नवोदय विद्यालय। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके पढ़नी है। इसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं आपको, वो आपको इसमें डाउनलोड करके इसमें भरना है और उसके बाद इसको सबमिट करना है। तो पूरा पढ़ेंगे, हमको भरना क्या क्या है वो सबसे पहले आपको जो है बताया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट्स इसमें जो भी लगेंगे वो सारे के सारे आपको देखो बताए गए हैं। इसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न। भाई डेट ऑफ बर्थ का भी सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास एयर्थ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी आपकी मार्कशीट जो भी लगती है वो, उसके बाद रूरल कोटा से जो आए हैं उनको रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी देना है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी देना है, आधार कार्ड भी देना है, उसके बाद स्टडी डिटेल्स अपने स्कूल के हेडमास्टर से सर्टिफाई करके देनी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद जो फीस लगती है वो देने लायक है या नहीं है उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट देना है। अगर नहीं दे सकते तो आपको फिर बीपीएल कार्ड देना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल हैं तो वो भी देना है, कैटेगरी OBC SC ST इफ एप्लीकेबल अगर हो तो आपको देना है, और TC जब देनी है जब आपका सारा का सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही TC देनी है, अन्यथा आपको अभी TC नहीं लेनी है। वहाँ से सीधा लिखा हुआ है द TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाई रिस्पेक्टिव JNV, तो उसके बाद ही आपको देनी है। तो सबसे पहले आपके सामने जो है वो है आपका टू बी फिल्ड बाई पेरेंट और गार्जियन ऑफ कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास फ्रॉम क्लास एयर्थ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले कॉलम में आपको नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, यानी जो बच्चा पास हुआ है जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका नाम, उसके बाद उसका आधार नंबर, और उसके बाद मेल और फीमेल जो भी है वो भरना है, यानी आपका जेंडर, उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल OBC SC और ST, इन चारों में से जो भी है वो आपको भरना है। उसके बाद आपकी कास्ट भरनी है, मतलब कास्ट में क्या अहीर हो, ठाकुर हो, गुप्ता हो, क्या हो, वो भी आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ पहले आपको डेट मंथ और ईयर में भरनी है, उसके बाद उसको वर्ड्स में भी भरना है। उसके बाद फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। उसके बाद आप आइए इस बॉक्स में, इसमें आपको 7 नंबर जो कॉलम है वो नेम ऑफ गार्जियन, अगर आप माता पिता के अलावा किसी और के साथ में रहते हो तो फिर उसका रिलेशन भी यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको, अगर नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्लास एयर्थ की डिटेल भरेंगे, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कब आपने एडमिशन लिया था, कब आप पास हुए, नेम ऑफ स्कूल, क्या स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, यस और नो, वो भी भर दीजिएगा। नेम ऑफ विलेज और टाउन इन विच स्कूल इज लोकेटेड, मतलब स्कूल कहाँ पर है वो भी भरना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन अपनी भरनी है, अर्बन है या रूरल है, ये सारे के सारे जो है आपको कम्प्लीटली एक एक करके भरने हैं, इनको कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखो सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, यहाँ पर सर्टिफाई होगा गार्जियन के द्वारा, ये सब भरा जाएगा। सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन एबव इज ट्रू, यानी जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल कंप्लीट ट्रू है। यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा या जो भी पेरेंट्स हैं उनका साइन करवा लीजिएगा, जो भी गार्जियन है, और नेम डाल के यहाँ पर हेडमास्टर का नाम होगा और सील होगी और पोस्ट लिखी जाएगी, स्कूल सील भी लगेगी। उसके बाद फिर से आपके हेडमास्टर को सर्टिफाई करना है, लिखना है सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज फाउंड करेक्ट एज पर आवर स्कूल रिकॉर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड दैट मास्टर और कुमारी, अपना नाम और ये सब कुछ भर के डेट भी भरनी है वहाँ पर, और उसके बाद साइन लगना है यहाँ पर, और हेडमास्टर की मोहर और सिग्नेचर भी होने हैं अपनी डेट डाल के। उसके बाद आपके फिर गार्जियन को यहाँ पर भरना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है बच्चे का, वो भी आपको भरना है। सारा का सारा नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, मंडल, ब्लॉक, पिन कोड, स्टडी कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पर मांगा गया है वो भर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप अपने फादर का नाम भरेंगे, अंडरटेकिंग, और उसके बाद नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट यानी किस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर भी उसका नाम भरना है, फिर से यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है, ये सबसे पहले आपको अपना सब पूरा सर्टिफाई कराना पड़ेगा।
डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, हाइट आपकी क्या है, वेट कितना है, एब्डोमेन यानी कि जो चेस्ट कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है वो कैसी है, विज़न यहाँ पर आपका कैसा है, लेफ्ट और राइट आई का ईयर्स क्लियर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर इसको सिविल सर्जन से प्रूफ कराएंगे, यहाँ पर उसकी सिग्नेचर और मोहर लगेगी। उसके बाद मेडिकल एंटेक्डेंस में आपको ये सारी चीज़ें फिर से भरनी है, अगर कोई ज़्यादा टफ इंजरी है या कोई बड़ी बीमारी है तो उसके बारे में भी यहाँ पर उसको करना है, अगर नहीं है कोई तो यहाँ पर डज नॉट हैव और उसके बाद फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्हीं को देना है जो डिसेबल है अन्यथा नहीं। उसके बाद रूरल एरिया सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी उसको भरवा के सारी डिटेल्स भर के आपको सिग्नेचर कराने पड़ेंगे तहसील से, जो कि पटवारी या लेखपाल करेगा, सील लगेगी। रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना आपको 100% सभी को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली भरनी है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें साथ में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा मैंने एक एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको बता दी है कि कहाँ पे क्या भरना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।